हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के 11वें वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 10 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप एक साथ सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है, जो 350 रुपये का है, जिसमें 6 महीना हम कोर्स में वीडियो डालते रहेंगे। उसके बाद अगले 1 साल तक वैलिडिटी होगी, यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल और, तो कुल मिला के 1.5 साल वैलिडिटी के साथ आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं मात्र 350 रुपये में। यानी कंप्लीट कोर्स का फी आपका 350 रुपये है, वहाँ से आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11। तो 11वां सेट का यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है, एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुना कर दिया। उसे गुना करना था 52 से, लेकिन उसने गुना कर दिया 62 से। तो बोला है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आएगा। तो आप एक चीज सोचो जरा सा कि गुना तो उसे करना था 52 से, लेकिन वह गुना कितना से कर दिया? 62 से। कितना अधिक से गुना किया? 10 अधिक से गुना किया। इसका मतलब है कि उसका जो सही उत्तर आएगा, उसका जो उत्तर आएगा वह सही उत्तर से कितना गुना अधिक आएगा? 10 गुना अधिक आएगा। बस जिस संख्या में गुना करना था उसको लिखेंगे और उत्तर 10 गुना अधिक आएगा। तो अब हम इसमें गुना कर लेंगे 10 से। तो 6245 में 10 से गुना करिएगा, 62450 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। एक बार इसको पूरे प्रोसेस से भी हम लोग समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। बोला है कि दुकानदार को 6245 में 52 से गुना करने के लिए कहा गया। तो 6245 में अगर वह 52 से गुना करता तो क्या वैल्यू आता? यही है ना, 6245। इसमें अगर 52 से गुना करता तो यही वैल्यू आता। लेकिन वह इस संख्या में 52 से गुना करने के बजाय, 6245 में ही 52 से गुना करने के बजाय कितना से गुना कर दिया? 62 से गुना कर दिया। तो 62 से गुना करेगा तब तो उत्तर ही आएगा। तो बोला है कि यह जो उत्तर आया है वह सही उत्तर से कितना अधिक आया है। तो जब भी किसी संख्या के बारे में बोला जाए कि यह संख्या इससे कितना अधिक है या कम है, तो हम उसके बीच के अंतर को देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 8 3 से कितना अधिक है, तो जितना का अंतर दोनों में होगा उतना ही अधिक होगा। देख लीजिए, 5 अधिक होगा। अधिक पूछा जाए, कम पूछा जाए, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है, तो यह आपका गलत उत्तर है, यह सही उत्तर है। गलत वाला जो है सही से कितना अधिक, यानी गलत और सही में अंतर बताना है। अब 6245 तो दोनों में है, तो 6245 हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब इधर क्या बचेगा? 62 बचेगा, माइनस इसको तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 52 बचेगा। अब देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, 6245 तो यहाँ पे रहेगा ही। इसके अलावा इस दोनों में अंतर कितना का? ब्रैकेट का मतलब गुना, 6252 में अंतर 10 का, बस 10 से गुना कर लीजिए, वही चीज़ आ गया, 62450 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका नल और टंकी से है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, आराम से समझिएगा आप इसको, पाइप ए बी सी एक खाली हौद से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले दो पाइप हौद को क्रमशः 6.6 और 16.5 घंटे में भर सकते हैं। पहला दो भरने वाला है, पहला 6.6 घंटे में और दूसरा 16.5 घंटे में भरेगा। पहला भरेगा कितना समय में? 6.6 घंटे में, और दूसरा 16.5 घंटे में। और तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली, यानी कि भरे हुए हौज को 9.9 घंटे में खाली कर देगा तीसरा। यानी कि तीन इसमें पाइप लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें से पहला दो तो भरने वाला है लेकिन तीसरा खाली करने वाला। क्लियर? तीन पाइप है जिसमें से पहला दो भरने वाला, तीसरा खाली करने वाला। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला है हौज के 3/5 भाग भरने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी 3/5 भाग अगर भर जाए उसके बाद तीनों को एक साथ खोला जाए तो हौज को भरने में क्या समय लगेगा? 3/5 भरने के बाद अगर तीनों को खोला जाए तो क्या समय लगेगा? सबसे पहले देख लीजिए, अगर क्वेश्चन पॉइंट के रूप में दिया जाए, समय पॉइंट के रूप में दिया जाए, तो उसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए। जैसे 6.6 है ना, तो 6.6 को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और यह 5 हो जाएगा। यानी कि पहला पाइप जो है, पहला पाइप वह 33/5 घंटे में टंकी को भर सकता है।
कितने घंटा में? 33/5 घंटे में आवर में टंकी को भरेगा। अब चलते हैं दूसरे पाइप की ओर। दूसरा पाइप देखिए 16.5 घंटा, 16.5, इसमें से भी पॉइंट हटाइए, इसको भी भिन्न में कन्वर्ट करिए, पॉइंट हटाइएगा बट्टा में क्या हो जाएगा 10, 5 से अगर काटिएगा 5 थिया 15, 5 दूना 10 यानी कि 33/2 घंटा। तो दूसरा पाइप जो है इस टंकी को 33/2 घंटे में भरेगा यानी 33/2 आवर लिख लिए। और तीसरा जो है वह तो आपका निकास नल है यानी कि निकासी वाला पाइप है, इसको हम माइनस से भी डिनोट कर लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि तीसरा जब भी चलेगा तो टंकी में से पानी को खाली करेगा और पहला दोनों चलेगा तो पानी भरेगा। तो यह 9.9 घंटे में खाली कर सकता है, तो 9.9 है ना, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10 होगा, कटने वाला नहीं है तो 99/10 यानी तीसरा जो है ना वह 99/10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर लेगा। पहला भरेगा 33/5 घंटे में, दूसरा भरेगा 33/2 घंटे में और तीसरा पूरे भरी हुई टंकी को 99/10 घंटे में खाली कर लेगा। जो भी समय आपका पॉइंट के रूप में दिया गया था उसको बस हम कन्वर्ट कर लिए भिन्न के रूप में। अब आगे देखिए, आगे इसके बाद तरीका क्या है हमारा, हम लेंगे इन सब के समय का एलसीएम, इससे निकलेगा टंकी का क्षमता। तो एलसीएम ऊपर वाले लाइन का, तो 33 33 99 का एलसीएम कितना हो जाएगा 99। एलसीएम का तरीका भी हम बता चुके हैं पहले भी कई बार, एलसीएम के लिए बड़का को पकड़ेंगे और अगर बड़का को छोटका सब काट दिया तो बड़के एलसीएम हो जाएगा। तो 33 33 99 का एलसीएम हमारा 99 हो गया। अब देखिए 99 लीटर हो गया टंकी का क्षमता, टंकी का क्षमता कुछ ना कुछ मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लिए हैं 99। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन एलसीएम लेने से फायदा यह होता है कि फ्रैक्शन नहीं बनता है, भिन्न नहीं बनता है। अब आगे तो यह 33/5 घंटे में 99 लीटर भरेगा, चूंकि टंकी का क्षमता 99 लीटर है और यह 33/5 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है, इसका मतलब 33/5 घंटे में 99 भरेगा। तो एक घंटा में कितना भरेगा, तो 99/33/5 क्या करेंगे एक घंटा में कितना, तो 99 लीटर भरता है कितने समय में, 33/5 घंटा में। तो एक घंटा में कितना 99/33/5, 33 से काटिए 33 थिया 99, बट्टा वाला 5 से 3 में गुना 5 थिया 15। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट समझिएगा, 33/5 से भाग करेंगे तो 33 थिया 99, 5 ऊपर जाएगा तो 5 थिया 15। 33/2 से भाग करिए 99, 33 थिया 99, ठीक है, और बट्टा वाला 2 से तो 2 थिया कितना हो जाएगा 6। 33/2 से 99 में भाग करिए, 33 थिया 99, बट्टा वाला 2 2 थिया 6, 99 से 99 कटेगा 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। आप 99/10 से भाग करिए ना, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, बट्टा वाला 10 ऊपर जाएगा यानी कि 10 लीटर। तो यह एक घंटा में भरेगा 15, यह एक घंटा में भरेगा 6 और यह एक घंटा में खाली करेगा 10 लीटर, तीसरा खाली करने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला यह गया है कि 3/5 भाग भरने पर, तो देखिए इसका 3/5 भाग भर चुका है, 99 का कितना भर चुका है, 99 का 3/5 भाग भर चुका है, तो बचा होगा कितना 2/5, यानी हमें यही 2/5 भरना है। चूंकि देखिए 3/5 भर चुका है, कितना भर चुका है 3/5, यानी 5 भाग में 3 भाग भर चुका है, तो शेष कितना 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 2/5, ठीक है। तो अब हमें इतना ही भाग भरना है चूंकि 3/5 भाग तो भरा जा चुका है, अब इतना भरना है हमें और तीनों नल को खोला गया है तो तीनों चलेगा तो यह 15 भरेगा या 6 भरेगा, तो 21 भरेगा, इसमें से 10 खाली होगा यानी प्रत्येक घंटा में कितना भरेगा मात्र 11 लीटर भरेगा। जब तीनों चलेगा तो पहला 15 दूसरा 6 21 भरेगा और यह खाली कर लेगा कितना 10, चूंकि यह तो निकास नल है तो 21 भरेगा 10 खाली यानी प्रत्येक घंटा में 11 लीटर भरेगा। तो इतना भरने में इतना बट्टा 11 काटे, इसको 11 नमा 99, 9 दूना 18/5, अब 18/5 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5 से काटिएगा 5 थिया 15, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 5 6 30 यानी कि 3.6 घंटा, 3.6 घंटा लगेगा टंकी के 3/5 भाग भरने के बाद जो शेष भाग बचेगा उसको भरने में। तो मेन था इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन देख लीजिए टाइम एंड वर्क से है। बोला गया है एक ठेकेदार 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट को लिया जिसके लिए उसने 120 आदमी को काम पे लगाया। देखो 120 आदमी के लिए ना कितने महीने का काम था, 6 महीने का, तो कुल काम का मात्रा यही हो जाएगा 6 महीने के लिए काम लिया है ठेका पर और उसको पता था कि काम 120 आदमी इस काम को कर लेगा 6 महीना में, तो काम का मात्रा यही होगा। अब बोला है कि आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 महीने में, जो काम 6 महीना में करना था 120 आदमी
को लगाया था यह 6 महीना में काम करने के लिए, अब इसको 4 माह में खत्म करना है, तो इतना काम कितने दिनों में करना है? 4 माह में करना है। काम का कुल मात्रा 120 × 6 हो गया, लेकिन इस काम को अब 4 महीने में ही उसे कंप्लीट करना है, तो कितना समय लगेगा? तो बट्टा में 4 से काटिए 4 × 12 30 × 6 = 180, तो 180 व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी इसको। ठीक है, देखिए टोटल वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे या मैन गुने डे। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? मैन गुने डे, इससे टोटल वर्क निकलता है। टोटल वर्क में अगर मैन से भाग करिएगा तो डे निकल जाएगा, और डे से भाग करिएगा तो मैन निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग भाग किए किससे? डे से। क्या निकल जाएगा? मैन। यानी 180 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो बोला है उसे कितने और आदमी काम पे रखना होगा? पहले से कितना रखा हुआ था? 120। चाहिए कितना? 180, यानी कि 60 और आदमी को इसे काम पे रखना पड़ेगा। इस काम को कंप्लीट करने के लिए 180 आदमी लगेगा, जबकि इसके पास 120 आदमी ही था, तो कितना और आदमी रखना पड़ेगा? इसे 60 और आदमी रखना पड़ेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस टू दी पावर 4 ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू भी क्या होगा? इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 रह जाएगा। जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, चूंकि इसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो यह इसी फॉर्म में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर, साइन ए को इस तरफ रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे, तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए इधर प्लस में, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में। अब यहाँ पे देखिए साइन ए बाई ओर तो साइन ए ही है ना, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला कहाँ से बना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी कारण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो इसका मतलब है कि साइन ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से एक चीज निकल के आ गया, इसको जब हम लोग तोड़े तो यहाँ से निकल के आया कि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होगा। अब आगे चलिए, जिसका वैल्यू निकालना है उसके पास चलते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इस दोनों में से देख लीजिए आप, कॉस टू द पावर 4a और कॉस स्क्वायर ए है, तो हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका? कॉस स्क्वायर ए है, कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, यही तो बचेगा ना। चलिए आगे देख लीजिए, अब आगे जहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम? साइन ए। जहाँ भी कॉस स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कॉस स्क्वायर के जगह साइन ए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? साइन ए। इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? साइन ए लिखेंगे। प्लस 1 है तो प्लस 1। अब आगे साइन ए गुने साइन ए क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए और साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया था? यहाँ पे देखो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए दोनों एक ही चीज है। इसका वैल्यू क्या दिया गया था क्वेश्चन में? 1 दिया गया था, और इसको भी तोड़ने पर यही चीज आ गया जो क्वेश्चन में था। तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, साइन ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए। तो इसमें जहां भी कॉस स्क्वायर ए है वहां पर क्या डाले हम? साइन स्क्वायर ए डाले, तो यह दोनों एक ही फॉर्म में आ गया। तो जो इसका वैल्यू था वही इसका भी वैल्यू आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, लड़कों का संख्या यहां पे दे रखा है 9 लड़के हैं, लड़कियों का संख्या मालूम नहीं है। आगे बोला है एक परीक्षा में लड़कों का औसत 13, लड़कियों का औसत 15 और कक्षा का कुल औसत 14.28, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए जब भी लड़का का औसत दे, लड़कियों का औसत दे और फिर विद्यार्थियों का औसत दे, तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। जब भी किसी समूह को दो अलग अलग गुणों के आधार पे दो भागों में बांटा जाए तो वहाँ पे हम लगाते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में देखिए सबसे पहले तीनों पॉइंट पर एक ही चीज़ लिखेंगे, एवरेज यहाँ दिया गया है तो तीनों पॉइंट पर एवरेज लिखेंगे, एक जगह लड़का का, एक जगह लड़की का, और बीच में दोनों का औसत लिखेंगे। तो देखिए लड़कों का औसत 13, लड़कों का औसत कितना है? 13। लड़का यानी बॉयज़ का औसत 13, और यहाँ से निकलेगा गर्ल्स का औसत। लड़कियों का औसत कितना दिया है? 15।
और पूरे कक्षा का यानी लड़का और लड़की मिला के, तो कॉमन डाटा हो गया ना, पूरे कक्षा का कुल औसत कितना है 14.28। ठीक है, लड़का का औसत, लड़की का औसत, विद्यार्थियों का औसत, पहले बिंदु पर लड़का का औसत, दूसरे बिंदु पर लड़कियों का, और बीच में विद्यार्थियों का। ठीक है, अब सोल्व करिए। क्रॉस में घटा के हम लोग लिखते हैं एलिगेशन मेथड में, तो 15 में से 14.28 माइनस करिएगा तो 0.72 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से, है ना, 15 में से 14.28 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 0.72 हो जाएगा। 28 और 72 हो जाएगा ना आपका 100। आगे चलिए, और इसमें से इसको बड़का में से छोटका माइनस करिए, 14.28 में से 13 माइनस करिएगा तो 1.28 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आपको लगा देना है, अनुपात, चूंकि यह वैल्यू आपका अनुपात में आ जाता है। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ भी दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो अंक के बाद दशमलव, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। आगे देखिए, 4 से यह कटेगा और 8 से, हाँ 8 से कट जाएगा, तो 8 से काटिए इसको, 8 से काटिएगा तो 8×9=72 हो जाएगा, और 8 से काटिएगा 8×1=8, 4 बचेगा 8×6=48, यानी कि 9:16। यह अनुपात किसका आया, लड़का और लड़की के संख्या का, तो लड़का और लड़की के संख्या में 9:16 का अनुपात, लड़का का औसत, लड़की का औसत, विद्यार्थी का औसत। क्रॉस में घटाते हैं, हमेशा बड़का में से छुटका घटाइएगा, क्रॉस में घटा के यहाँ, क्रॉस में घटा के यहाँ लिखे, 9:16 आया। अनुपात है जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, तो लड़का और लड़की के संख्या में 9:16 का अनुपात आया। 9:16 का अनुपात कहने का मतलब है कि अगर लड़का का संख्या 9, ऊपर तुलना किस आधार पे किए छोड़ दीजिए, फाइनल जो औसत आया वह लड़का और लड़की के संख्या का, तो अगर लड़का का संख्या 9 तो लड़कियों का संख्या कितना 16, तो क्वेश्चन में दिया गया कि लड़का 9, तो इसका मतलब है कि अगर लड़का 9 तो लड़की कितना होगा 16 होगा। पूछा हमसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो 9 और 16 कितना 25, तो कक्षा में विद्यार्थियों का संख्या यानी कि लड़का प्लस लड़की मिला के 9+16=25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है कि लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। लता देखिए कितना पनीर बनाती है, 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और प्रत्येक सुबह इसे बेचती है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर, देखो 1 लीटर दूध से ना, कितना दूध से, 1 लीटर दूध से कितना पनीर बनता है, 200 ग्राम पनीर बनता है। ठीक है, 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनता है, ओके। चलिए एक एक नियम लगा दिए, और 1 लीटर दूध का लागत 40 रुपये है, तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। देखिए कितना पनीर बेचती है, 20 किलोग्राम पनीर बेचती है। अब बोला है कि 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनता है और 1 लीटर दूध का लागत 40 रुपये है, तो रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे कि 20 किलोग्राम पनीर बनाने के लिए उसे दूध कितना चाहिए, क्योंकि रोजाना वह 20 किलोग्राम पनीर बेचती है, तो 20 किलोग्राम में कितना इसे दूध लगेगा। अब डाटा दे रखा है कि भाई 1 लीटर में 200 ग्राम पनीर निकलता है, तो उसी हिसाब से 20 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 20 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 20×1000 ग्राम, यानी कि इतना ग्राम में कितना लीटर दूध की आवश्यकता उसको होगी। 20 किलोग्राम पनीर बनाती है ना, तो 20 किलोग्राम के लिए कितना इसे दूध की आवश्यकता होगी, 1 लीटर के लिए 200 ग्राम, तो कितना लीटर दूध चाहिए ताकि वह 20 किलोग्राम यानी 20×1000 ग्राम पनीर बना सकती है। ठीक है, एक एक नियम लगा दिए, एक एक नियम में इसी तरह से सोल्व करना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर दूध का मात्रा, नीचे पनीर का मात्रा, तो इधर भी ऊपर दूध का मात्रा, नीचे पनीर का मात्रा। अब सोल्व करिए, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम कैंसिल करिए, 200 ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 200 हो गया। आगे देखिए, 100 से 1 लीटर में गुना करेंगे तो 100 लीटर, देखिए 100 लीटर इसको दूध का आवश्यकता होगा 20 किलोग्राम पनीर बनाने के लिए। ठीक है, 20 किलोग्राम पनीर बनाने के लिए कितना दूध चाहिए इसको, 100 लीटर दूध चाहिए। अब दूध का लागत क्या है, 40 रुपया प्रति लीटर, तो 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसको कुल मिला के 100 लीटर दूध चाहिए, तो कुल कितना लागत इसका लग जाएगा, 40×100 यानी कि 4000 रुपये इसका लागत हो जाएगा दूध खरीदने में, या प्रत्येक दिन 4000 रुपये खर्च करती है, चूंकि दूध इसको कितना खरीदना पड़ता है 100 लीटर, और 1 लीटर दूध का लागत है 40, तो 40×100 यानी कि 4000 लीटर। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, किसी सीरीज में कुल मिला के 4 संख्या,
इनमें से तीन छोटी संख्याओं का माध 9 और तीन बड़ी संख्याओं का माध 11। माध का मतलब औसत होता है। तो डेटा समुच्च का प्रास क्या होगा? प्रास रेंज, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो रेंज निकलता है। चार संख्या है ना, तो हम चार संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, यह चार संख्या हो गया। अच्छा, हमें बताना है इसका, इसका क्या बताना है? रेंज बताना है। प्रास का मतलब क्या होता है? इसका हमें रेंज बताना है। तो रेंज बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। तो हम मान लेते हैं कि इस संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और अंत में सबसे बड़ा लिखे हैं। तो इसका प्रास तो सबसे बड़ी संख्या डी और सबसे छोटी संख्या ए, यानी कि डी माइनस ए ही इसका प्रास हो जाएगा। कहीं भी अगर कोई सीरीज लिखा गया है और उस सीरीज का आपसे रेंज पूछा जाए, ठीक है, या प्रास पूछा जाए, तो उस सीरीज के सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो उस सीरीज का रेंज निकल जाएगा या उस सीरीज का आपका प्रास निकल जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि एक समुच्चय में यानी सीरीज में चार संख्या है, चार संख्या हम ए बी सी डी मान लिए और इसी ऑर्डर में मान लिए कि ए छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, डी सबसे बड़ा। अब आगे बोला है कि इसमें से तीन छोटी संख्याओं का माध 9, तीन छोटी संख्या यानी कि ए बी और सी, तो ए बी और सी का माध कितना है? 9 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 27। तीन संख्याओं का माध 9, यानी तीनों संख्याओं का कुल योग 9 × 3 = 27, माध यानी कि औसत। तो तीन संख्याओं का औसत 9 है, तो तीनों का कुल योग 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब आगे हमें बताना है, आगे बताना है इसमें और तीन बड़ी संख्याओं का माध, तो तीन बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? बी सी डी। तो तीन बड़ी संख्या यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, तीन बड़ी संख्या यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तीन छोटी लेंगे तो ए बी सी लेंगे, तीन बड़ी लेंगे तो बी सी डी लेंगे। तो तीन बड़ी संख्याओं का माध 11, यानी तीनों का कुल योग कितना? 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। अब आप क्या करो, इसको घटा लो, समीकरण एक में से दो को घटाइए तो चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 माइनस। देखिए जो कटने वाला है उसको काटिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस में सी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, डी प्लस में ए माइनस में, यानी इधर क्या बचा? डी माइनस ए। और इधर 33 में से 27 माइनस करिए कितना हो जाएगा? 6। तो डी माइनस ए यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर 6 आया, यही इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, यही इसका प्रास हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू √2 × cos x है, तो कॉट एक्स का मान क्या होगा? इसमें देखिए हमें कॉट के रूप में चेंज करना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ अगर हम भाग कर देते हैं इसमें साइन से, साइन से भाग करेंगे तो दिक्कत है, कॉस से भाग करते ताकि कॉस कटे, तो कॉस एक्स में कॉस से, कॉस एक्स में कॉस एक्स से भाग करेंगे तो एक बचेगा, प्लस साइन एक्स में कॉस एक्स से भाग करेंगे तो टेन एक्स बचेगा, ठीक है, और बराबर √2 × cos x में cos x से भाग करेंगे तो √2 बचेगा। बराबर के बाएं और दाएं दोनों तरफ एक ही काम से, एक ही काम करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो दोनों तरफ हम cos x से भाग किए, तो cos x में cos x प्रत्येक में देख लीजिए, प्रत्येक में कितना से? cos x से, इसमें भी कितना? cos x से, यहां भी कितना? cos x से। अब देखिए इससे यह कैंसिल, एक बचेगा, साइन बटा कॉस टेन एक्स हो जाता है, इसे यह कैंसिल, √2 बचा, यही काम किए हैं। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, टेन एक्स आ गया है, तो टेन एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा? √2 − 1 होगा, √2 − 1 हो जाएगा। अब हमें बताना है कॉट एक्स का मान, तो टेन एक्स के मान का उल्टा होता है कॉट एक्स का मान, और ऐसे व्यंजक को उल्टा करने का तरीका है कि बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यानी √2 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका? √2 + 1 हो जाएगा। टेन एक्स का जो रिवर्स होगा ना, वही आपका कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉट एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा √2 + 1। अब कैसे देख लीजिए, टेन का मान √2 − 1 है, तो कॉट का मान 1/√2 − 1 होगा। अब इसको रिवर्स करना है तो इसका परिमेयकरण करिएगा ना, तो जिस किसी मेथड से इसका परिमेयकरण आपको करने आता है आप इसको करिए। मेरा मेथड यह है कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √2 / √2, 1/√1, अंतर 1 का, बट्टा में 1 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, यानी √2 + 1 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया √2 + 1। ऐसा जब भी व्यंजक को उसको उल्टा करना हो तो केवल बीच का चिन्ह आप बदल देना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या खोजना है, जिसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है। सिर्फ बट्टा में, यानी कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं,
बट्टा में जीरो इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो का मतलब अनडिफाइन होता है। किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो आएगा तो अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन जीरो बट्टा कुछ भी लिखिएगा तो यह क्या हो जाता है, जीरो। तो हम देखते हैं कि कौन परिमेय, तो इसको तो हम नहीं लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, चूंकि इसका वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे। रूट क्यूबिक रूट ऑफ आठ, आठ का घनमूल दो, दो माइनस दो जीरो, यह आपका परिमेय हो जाएगा, जीरो परिमेय संख्या है। इसका हम लोग घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे ही रह जाएगा, इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे ही रह जाएगा, तो यह सब अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोलते हैं, पाई को बोलते हैं, ई को बोलते हैं, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, इन सभी को हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। बाकी जो भी बचा वह आपका परिमेय होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से है। बोर्ड मास में पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद हम लोग छोटी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद हम लोग मझली ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, और लास्ट में हम लोग बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। अगर चिन्हों की बात किया जाए तो सबसे पहले का क्रिया, यानी कि हम लोग ऑफ का क्रिया सबसे पहले करते हैं, ऑफ का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, और प्लस माइनस का प्रायोरिटी सेम होता है। देखिए इस दोनों का मतलब सेम होता है, का भी मतलब सेम होता है, गुना का मतलब भी सेम होता है। जहां का करना होगा वहां भी, ऑफ करना होगा वहां भी, हम लोग गुना करेंगे, लेकिन इस का यानी का वाला का क्रिया जो है वह भाग से पहले होगा, गुना ही करेंगे लेकिन भाग से पहले, और जो सीधे गुना है उसका क्रिया आपका भाग के बाद होगा, यही प्रायोरिटी होता है बोर्ड मास वाले में। ओके, तो पहले हम लोग ऑफ का क्रिया, फिर भाग का, उसके बाद गुणा का, देन प्लस, और उसके बाद हम लोग क्रिया किसका करेंगे, माइनस का क्रिया करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट है, तो लाइन ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले करिए। तो आप देखिए 29 में से 30 माइनस करिए, 29 में से 30 माइनस करिएगा माइनस एक, तो यहां तक का वैल्यू माइनस एक आया, और माइनस एक 27 माइनस माइनस एक यानी प्लस एक, यानी यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 28। अब 24 में से 28 माइनस करेंगे माइनस चार, माइनस चार और माइनस यानी प्लस चार, तो यह आपका हो जाएगा 27। और 22 में से 27 माइनस करेंगे माइनस पांच, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया है कि यहाँ पे हमें किसका क्रिया करना है, सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है। तो आइए लाइन ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट का। तो 29 में से 30 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस एक, अब इसका वैल्यू माइनस एक आया। अब 27 माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा ना, तो 27 माइनस माइनस एक यानी प्लस एक, तो 28, इसका वैल्यू आपका 28 आ गया। अब 24 में से 28 माइनस करिएगा माइनस चार, तो यहां तक में माइनस चार आ गया। 23 माइनस माइनस चार यानी प्लस हो जाएगा 23 चार 27। 22 में से 27 माइनस करिएगा कितना वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस पांच। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किसका पहले होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चले तो पहले हमें क्रिया करना पड़ेगा लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद फिर हम लोग क्रिया करेंगे छोटी ब्रैकेट का, फिर मझली ब्रैकेट का, अंत में बड़ी ब्रैकेट का, और चिन्हों का भी ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। रॉबिन के पिता यानी कि फादर और सन की आयु में क्या रेशियो है, 2.8 गुना, यानी पिता अगर एक तो पुत्र 2.8। देखिए रॉबिन का पिता रॉबिन से 2.8 गुना हो गया, सन फादर। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाएंगे इधर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का मतलब बट्टा होता है, कटने वाला है तो काटिए, दो से कटेगा, यह कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 5। तो उसके पिता में और इसकी आयु में 14:5 का अनुपात। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना, पिता की आयु रॉबिन की आयु का 4 गुना, कब, 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व। तो 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन की आयु का कितना था, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन की आयु का 4 गुना था। अब बोला है रॉबिन की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले देखो, दो अलग अलग समय का रेशियो हमें पता है, या प्रेजेंट का रेशियो पता है, और या 6 साल पहले का रेशियो पता है। तो सबसे पहला ड्यूटी हमारा यह होगा कि हम इसको बैलेंस करें। अब बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने का तरीका होता है कि इसके आनुपातिक अंतर से इसमें गुना, तो 4 और 1 में 3 का अंतर है तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए, और इसके आनुपातिक अंतर से इसमें, तो 14 और 5 में 9 का अंतर है तो इसमें 9 से गुना कर लीजिए। बस यही काम आपको करना है, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना। जब भी दो व्यक्ति के दो अलग अलग समय की आयु का अनुपात दिया जाए उस केस में आपको यही काम करना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रेश में इस चीज को, 3 से करिए दोनों में गुना, तो 14:42 अनुपात 5:15। पिता और पुत्र की आयु में यही रेशियो होगा ना, फादर और सन वर्तमान का। और आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 9 चौके 36 और 9 एकम 9, देख लीजिए 6 साल पहले उनकी आयु में यही रेशियो हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, बोला है 6 साल पहले, देखिए यह वर्तमान आयु है और यह 6 साल पहले, तो वर्तमान में और 6 साल पहले में 6 साल का अंतर है भी, यहाँ भी 6 साल का अंतर है, यानी कि यह
उसके पिता का, रोबिन के पिता का वर्तमान आयु और यह जो है रोबिन का वर्तमान आयु। बोला कि रोबिन का वर्तमान आयु बताइए, 15 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान आयु यही निकल गया। आयु में अंतर कितने यह वर्तमान आयु यह 6 साल पहले का आयु देख लीजिए, 42 36 6 का अंतर है ना, 15 9 6 का अंतर, तो 6 का अंतर है, यानी कि यही आपका यही इसका एग्जैक्ट आयु हो जाएगा वर्तमान का और यही इसके 6 साल पहले का आयु हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक एक्स प्लस कॉटेक्स का मान कितना दे रखा है, 10। हमें बताना है कॉटेक्स का मान। यहाँ एक चीज आप समझिएगा, कॉसेक एक्स या कॉसेक थीटा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना है आपका 10 है। हम क्या करेंगे, इसके बीच का केवल चिन्ह बदलेंगे, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करेंगे, बीच का चिन्ह केवल बदलेंगे और इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, फिर से समझिए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू अगर मालूम रहे, प्लस वाला का वैल्यू मालूम रहे, माइनस वाला पूछेगा तो इसको रिवर्स कर देना है, या माइनस वाला मालूम रहे प्लस वाला पूछे तो इसको रिवर्स कर देना है। कारण क्या होता है, कारण यह होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार इसके लिए ए प्लस बी, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना तो लिख सकते हैं, बराबर में 1 है तो 1। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू दे दे, सपोज करें कि यहां पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10 ये दे रखा है ना, 10, तो इस 10 को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, और वही किसका मान हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/10। इसका वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो इसलिए हमने आपसे कहा कि प्लस वाला का मान देकर के माइनस वाला पूछे उल्टा कर देंगे, माइनस वाला का मान देकर के प्लस वाला का मान पूछेगा उसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऐसा आपका होता है कॉसेक प्लस कॉट के साथ और सेक प्लस टैन के साथ, दोनों जगह होता है। अब आगे देखिए, हमें कॉट का वैल्यू चाहिए ना, तो हम समीकरण एक में से दो को घटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, चलिए अब कैंसिल हो गया, कॉट और कॉट कितना हो जाएगा, 2 कॉट थीटा हो जाएगा, बराबर 10 में से 1/10 माइनस करिए, 10 दाई 100 में से 1 माइनस करिएगा, 99/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कॉट थीटा का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 99/20 हो जाएगा, 20 से भाग करिए, 20 चौके 80, कितना बचेगा, 19 बचेगा, 20 नवा 180, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, यानी 4.95 आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। ठीक है, लेकिन अगर कॉसेक थीटा का मान पूछा होता तो समीकरण एक में दो को जोड़ते, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता, 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू 10 प्लस 1/10 आता, यहां से हम कॉसेक थीटा का मान निकाल लेते। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर कॉट थीटा का मान पूछे या कॉसेक थीटा का मान पूछे या कॉसेक प्लस कॉट का मान पूछे तो यह दिया जाएगा, इससे यह अपने आप पता लग जाएगा और दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग बाकी का जो दोनों है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौने बनाने वाली कंपनी एक्स वाई जेड के बिक्री के बारे में प्रदर्शित करती है। अब देखो, म्यूजिकल टॉयज, एक्टिविटी टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, टोडलर टॉयज और इसके बाद लर्निंग ब्लॉक्स 15%, यह दिया गया है पूरा डाटा कि सभी अलग अलग प्रकार का खिलौना है, कौन कितना जो है बिका है, वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान खिलौने बनाने वाली कंपनी का बिक्री का दिया गया है। बोला है सभी खिलौनों की बिक्री से उत्पन्न कुल आय इतना, देखिए कुल आय कितना है, 38,72,000 यही है ना, इतना है। तो बोला है कि लर्निंग ब्लॉक से कितनी आय, लर्निंग ब्लॉक से कितना, 15%, यानी कुल आय का 15% प्राप्त हुआ होगा, बस यही तो हमें करना था, प्रतिशत से 00 कैंसिल, हमें क्या बताना है कि लर्निंग ब्लॉक से क्या आय हुआ है, तो 15% कुल बिक्री का 15%, तो इसका 15% निकाल दिए। अब गुना करिए 15 से, 0 है तो 0, 15 दुना 30, 0 हासिल 3, 15 सते 105 और 3 108, 00 वाला का कितना ऑप्शन है, 8 के बाद 00 वाला विकल्प ए है, तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। देखिए 800 लास्ट में एकमात्र विकल्प में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है कि रहीम 15 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाना पड़ा, तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए, 15 मिनट देरी से चला, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, अपना स्पीड 45 से बढ़ा के 54 करना पड़ा, तब सही समय पर यात्रा तय किया। तो जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने पर लगे समय में अंतर दिया जाए, उस केस में डिस्टेंस बराबर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, AB/A-B गुना टी, और यहाँ जो टी होता है ना वो डिफरेंस वाला टी होता है। तो देखिए पहला बार स्पीड क्या है इसका,
इसका स्पीड आपका 45 है, फिर स्पीड कितना कर लिया 54 कर लिया, दोनों स्पीड में अंतर कितना का हो जाएगा 9 का हो जाएगा, और समय में अंतर कितना का आया 15 मिनट का, 15 मिनट के फॉर्म में इसमें बस 60 से भाग कर लीजिए, क्योंकि बाकी किलोमीटर पर आवर सब किलोमीटर पर आवर के रूप में है, तो जो मिनट है उसको भी हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप इसको सोल्व करिएगा, 15 चौके 60 या कैंसिल हो जाएगा, 9 छक्के 54 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, आगे देख लीजिए कितना वैल्यू आपका आ जाएगा, 45 त्रिक तो 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 बट्टा 2 यानी कि 67.5 किलोमीटर यह आपका डिस्टेंस हो जाएगा। किसी एक दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 54 से चला, 45 के बजाय 54 से चला तो 15 मिनट, जब 15 मिनट की देरी हो गई तो 45 के बजाय 54 से चला, इसका मतलब इस स्पीड के बदले इस स्पीड से चलने पर 15 मिनट कम समय लगता होगा। तो चाल अलग अलग है और समय में अंतर दिया गया है, तो वह डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः रेखा ए और बी पर स्थित है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लिए, चलिए त्रिभुज एबीसी हो गया, अब इसमें डी और ई जो है ना वह एबी और एसी पर स्थित है। चलिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। आगे बोला है बीसी के समानांतर, या डी जो है बीसी के समानांतर है, यदि एडी बराबर 1, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1, और डीबी का मान कितना है 3 दे रखा है। तो बोला है त्रिभुज एडीई, इस वाले त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी पूरा बड़ा वाला का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, एरिया। तो देखिए इस त्रिभुज के एक भुजा का माप कितना है छोटका का 1, तो इसका क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात। इस बड़े वाले त्रिभुज के एक भुजा का माप बताइए 1 और 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 16, तो आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कोई एक भुजा मालूम रहे तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समरूप लागू होगा, यह छोटा वाला त्रिभुज और यह पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो इसका एक भुजा 1 और इसका एक भुजा पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 और 3 4, तो 1 1 का वर्ग 1 और यहाँ से यहाँ तक 4 4 का वर्ग 16, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल में 1 अनुपात 16 का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका हो गया कंप्लीट, और आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे, इसके बाद जो अगला सेट है उसको हम लेकर के अगले दिन उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।